पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जेपी दलाल। कहा, किसानों को बरगला रहा है विपक्षी, एमएसपी खत्म करने का कोई इरादा नहीं, हर वर्ष बढ़ेगा एमएसपी। किसानों को मजबूत करने के लिए मंडियों का होगा विस्तार। किसान फसल बीमा योजना अब किसान की स्वेच्छा से। कांग्रेस पार्टी पर उठाए सवाल, कहा नेतृत्व नहीं है कांग्रेस के पास। कहा, मध्य प्रदेश व राजस्थान में झूठ बोलकर बनाई थी कांग्रेस ने सरकार। हरियाणा में रोजगार की नहीं कमी, दूसरे प्रदेश से काम के लिए आ रहे हैं लोग हरियाणा में। स्वरोजगार के रास्ते खुले, स्वरोजगार करने वालों को मिलेगा काम के लिए लोन। सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गया है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे यहाँ नौजवानों का देश है, दुनिया की आबादी बूढ़ी हो गई है, हर तरह की जरूरत उनको हमारे सहयोग की है। आने वाला वक्त जो है भारत का है, क्योंकि हमारे जो नौजवान पॉपुलेशन है, जिसको एक हमारी यही एक बहुत ताकत बनने जा रही है, सारी दुनिया के काम आएगी। और वो शिक्षित नौजवान जो ज्ञान का भंडार लेके दुनिया को सहयोग करेंगे, तो भारत का नाम ऊंचा करेंगे। सर, अब की बार कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर की, देखिए युवा है। एक वक्त था जब हम पढ़ते थे, सारे दो तीन यूनिवर्सिटी होती थी। आज देश के अंदर 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला के 1000 से आसपास हैं। हरियाणा में 50 से पहले हमारे ज़माने के अंदर 50 के कॉलेज नहीं होते थे पूरे हरियाणा में। आज कॉलेज तो 1000 से ज़्यादा हो गए हैं, यूनिवर्सिटी 50 के आसपास प्राइवेट और सरकारी मिला के हो गए हैं। तो हर यूनिवर्सिटी को एक ही लाइन नहीं पकड़नी चाहिए, हर का अपना स्पेशलाइजेशन हो। और ख़ास यूनिवर्सिटीज का तो मकसद ही होना चाहिए कि रिसर्च करें। दुनिया की यूनिवर्सिटीज जो है वो प्रसिद्ध क्यों हैं? वो इसलिए प्रसिद्ध हैं कि भाई हमारे यहाँ से इतने नोबेल प्राइज विनर निकले हैं, इतने रिसर्च की है वो निकले हैं। और आगे आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी जो हैं, बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो बेस्ट डॉक्टर हैं हमारे इंडिया के हैं, नासा के अंदर 25% से 30% से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे भारतवर्ष के हैं। इससे ये तो साबित तो है कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग हो, संसाधन उपलब्ध कराएं, रिसर्च पर तरफ ध्यान दें और एक इकोसिस्टम बना के दें हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, तो सारे बच्चे जो हैं दुनिया के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, कल्याणकारी खोज करके भारत का नाम ऊंचा कर। सर, फसल बीमा को लेकर रोजगार की बात की, लेकिन युवाओं को रोजगार जो है कोरोना काल में छीना, ऊपर से जो बेरोजगारी में नंबर वन हरियाणा हो चुका है, विपक्ष कटाक्ष कर रहा है कि ये ऐसे में कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा अगर रोजगार छीनते रहे तो। देखिए, ये विपक्ष को एक हेडलाइन बनने के लिए कुछ भी ना शराब बोल देते। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे माफ करें, किसानों के कर्जे माफ हुए नहीं, विधायकों को गांव वाले घुसने नहीं दे रहे, विधायक छोड़कर तो है उसने ये सारा प्रपंच रचाया कि झूठ, किसानों को बर्फ में डालो, कर्जे माफी का नारा दो। और वो ठीक है, एक बार लोग लालच में लेके वोट लिए उन्होंने, लेकिन आज जो है किसी कांग्रेसी को ये हालत नहीं रही विधायक की कि उसको गांव में घुसने दे, तो वो छोड़ने के लिए भागवा रहे, छोड़ने को भाग रहे। और गहलोत जी को कब तक होटल में बंद रखें, छोड़ के रखें, खुद भाग रहे हैं। सर, एक अंतिम क्वेश्चन, ये जो अध्यादेश जो केंद्र सरकार लेके किसानों को लेकर के ओपन मार्केट, जैसे किसानों ने विरोध भी किया पीछे 20 तारीख को, ये क्या मानते हैं? किसान कोई विरोध नहीं करता, किसान के नाम से राजनीति जो करने चाहते हैं, जैसे फसल बीमा योजना का किया था, इसी तरह से तीनों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुझे बताओ, इतने सालों से एक मांग आती थी कि एक किसान ऐसा उत्पादक है जिसके भाव जो है और कोई लगाता है। आज किसान के हाथ खोल दिए हमने कि किसान यहाँ मंडी में अपना उत्पादन ले, घर में बेचे, सड़क पर प्याज लगा के, रेडी लगा के बेचे, ट्राली लगा के बेचे, टमाटर के कहीं बेच के आए, विदेश में बेचे, देश में बेचे।
किसान को कैसे नुकसान होगा मुझे समझ में नहीं आती। सर किसान संगठन ये विरोध कर रहे हैं, किसान संगठन कौन है? ये तो अपने आप ही कहते हैं कि जब एमएसपी हटाएंगे मंडी खत्म करेंगे। मैं मंडी बोर्ड तो हम मजबूत कर रहे हैं, एमएसपी की हर साल बढ़ाए जा रहे हैं और चीज भी एमएसपी में लिए जा रहे हैं। किसानों को आश्वस्त माने कि एमएसपी लागू रहेगा, किसान की एमएसपी 100% लागू रहेगी। नहीं, एमएसपी को बढ़ाएंगे, मंडी खत्म नहीं होगी, मंडी और बनाएंगे। हम कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं कि हमारी अच्छी सेवा होगी किसान के लिए तो हमारे पास आए, और किसान को और कहीं फायदा दिखाई देता है तो वहां चले। धन्यवाद। अब भी कम से कम 15-20 लाख आदमी दूसरे प्रदेशों के यहाँ रोजगार करने आते हैं। उन प्रदेशों में रोजगार की कमी है, तभी हमारे यहाँ रोजगार उपलब्ध है, तभी तो यहाँ पर रहते हैं। आपके सामने है कि काम करने वाले के लिए हरियाणा में अपार संभावनाएं हैं, और अब जो पैकेज कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए जबरदस्त इसके अंदर स्कीम्स हैं। मछली पालन के लिए कितने बच्चे रोजगार लेना चाहते हैं उनको मैं खुद स्कीम पास कराऊंगा, ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगा। मशरूम का उत्पादन करें, बागवानी करें, दूध का उत्पादन करें। कोरोना काल में हरियाणा में मेरे विभाग ने 50 लाख पशुओं का मुंह खुर की बीमारी का वैक्सीनेशन किया है। सारे देश में 1.5 करोड़ हुआ, हरियाणा में 50 लाख हुआ। कल ही मैंने मीटिंग की थी हमारे चीफ सेक्रेटरी के और जो फाइनेंस सेक्रेटरी की SLBC की मीटिंग की थी। इस अगले 50 दिन के अंदर हम पशुधन क्रेडिट कार्ड का कम से कम 2 लाख नए आदमियों को पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे। जो गरीब आदमी है, कमजोर है, जिसके पास जमीन भी नहीं है, वो भी बकरी पाल कर, भेड़ पाल करके और गाय भैंस पाल के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, उसको 1,60,000 रुपये तक की पूंजी बगैर किसी जमीन गिरवी रखे, बगैर घर गिरवी रखे, उसको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और आप हमारा एक टारगेट है, मैंने टारगेट दिया है कि 15 अगस्त तक, अगले 20 दिन नहीं, 1 लाख आदमियों को 1,60,000 के बीच की पूंजी के कार्ड उसको उपलब्ध करा दें 4% ब्याज पे। हरियाणा के कमजोर आदमी की, जो दबा हुआ आदमी है, जिसको उसके परिवार को पूंजीपति रगड़ देता है मोटा ब्याज लेके, उसको हम सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंकर इसमें सहयोग करेंगे। ये काम मेरा है, मेरा विभाग फार्म भरवाएगा, मेरा विभाग पशु का बीमा करवाएगा, टैगिंग कराएगा, घर में जाके कार्ड दे के आएंगे। बैंकर के पास किसी आदमी को जाने की जरूरत नहीं है। मेरा डिप्टी कमिश्नर और ADC और ये जिले के अधिकारी, पशुपालन के डिप्टी डायरेक्टर, इनकी जिम्मेदारी है कि खुद फार्म भर से घर से भर के कार्ड बनवा के घर दे के जाए। सर, फसल बीमा को स्वेच्छिक किए जाने के पीछे क्या कारण मानते हैं? स्वेच्छा से तो ऐसा है कि बहुत सालों से ये किसान यूनियन तरह तरह की समस्याएं, इतना जबरदस्त दुष्प्रचार फसल बीमा का किया। सबसे हमारे जो किसान हितैषी फैसला था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, फसल बीमा का था, और इससे हरियाणा को बहुत जबरदस्त फायदा भी हुआ है। हरियाणा का मुझे पता है, मैं कृषि मंत्री हूँ, बीमा का भाग देखता हूँ, 850-900 करोड़ रुपये हरियाणा के किसानों से पिछले जब से बीमा शुरू हुआ 2016 से दिया है, 2,650 करोड़ रुपये हम बांट चुके हैं। जबकि इसी कांग्रेस पार्टी ने, इसी हमारे विपक्षी पार्टियों ने यह प्रचार किया था कि बीमा जो है किसानों को मारने के लिए है, बीमा से तो सेठ साहूकारों को फायदा होगा, किसानों को नहीं होगा। अब उनका जवाब देने के लिए हमने स्वैच्छिक किया है कि किसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसान को अच्छा लगता है तो करवाए, और मुझे भरोसा है कि हरियाणा का किसान लाइन लगा के बीमा करवा रहे। सर, अब सोनाली फोगाट मामला काफी चर्चा में रहा, महिला आयोग ने आपको भी उसके लिए वो प्रेषित किया। कानूनी प्रक्रिया है, दो आदमियों का झगड़ा है, और उसका जो FIR दोनों तरफ से दर्ज है, पुलिस जांच कर रही है, जो कार्रवाई जो कानून सम्मत होगी वो हो जाए। सर, राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसकी काफी निंदा भी हो रही थी, ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.